जहाँ पर लोग भारत में माता पिता को भगवान मानते, वृद्धजनों की सेवा करते थे। हम किस दुनिया में जी रहे हैं कि हमें आज हम जगह जगह वृद्धाश्रम बनते हुए देख रहे हैं, और बड़े बड़े घरों के बेटे आकर अपने माता पिता को, जिनके यहाँ चार चार नौकर लगे हैं, वो भी अपने बच्चे को, अपने कहते हैं वो भी अपने बूढ़े माता पिता को अपने बच्चों के लिए, बच्चों को ज्यादा सब कुछ देना है, बूढ़े माता पिता को छोड़ दिया, तो बच्चों को क्या संस्कार मिल रहा है देखकर। जैसे आपने किया है वैसे वो भी तैयार हो रहे हैं करने के लिए। एक बात बताऊं, सही बात बताऊं, एक जगह गए, एक वृद्धाश्रम में हम गए थे, एक बूढ़ी माता बैठी थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। तो हमने कहा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा देवी जी वो दिखाई दे रहा है ना जो खिड़की से, वो जो सबसे बड़ा वाला मकान है वो किसी और का नहीं, मेरे बेटे का है, वो मेरे बेटे का मकान है, 5 तल्ले का है, कहकर गया था जल्दी आऊंगा लेने, आज तक नहीं आया, हो सकता है विदेश में बस गया हो, आज तक नहीं आया लेने। और यह स्थिति होती है, बूढ़े माता पिता रोते रह जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं, अगर यहां भी ऐसी स्थितियां बन रही हैं, माता पिता का खूब सम्मान करें, माता पिता का खूब आदर करें, वृद्धों की सेवा करें। वृद्ध माता पिता ईश्वर के स्वरूप होते हैं, और जिस परिवार में वृद्धों का सम्मान नहीं होता, याद रखना सीता रूपी शक्ति भक्ति शांति चली भी आए तो रावण जैसे व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकती, बल्कि वह विनाश ही करती है जिस परिवार में वृद्धों का सम्मान नहीं होता। आज इस संसार में सबसे दयनीय स्थिति वृद्धों की है, देखी जा रही, वृद्ध लोगों के लिए बिल्कुल भार हो गए, पूरी जिंदगी दुकान मकान बेटे के लिए इतना किया, और जब अंतिम समय उनका आता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, सेवा नहीं हो पाती है, और बहुएं कहती हैं कि अब इनकी सेवा कौन करेगा, और बहुओं को बड़ी समस्या लगती है। मैं निवेदन करना चाहती हूं, यदि यहां पर भी ऐसा चल रहा हो तो उसको झटपट समाप्त करिए, क्योंकि जिस परिवार में वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं, सास ससुर की सेवा नहीं होती, आप कथा में ही नहीं, चले जाइएगा नैमिष धाम, चले जाना माता ललिता के मंदिर, चले जाइएगा काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए, वह धाम भी चले जाइएगा, लेकिन जिस परिवार में वृद्धों के आंख से आंसू निकलते हों, मैं यह विश्वास के साथ कहती हूं कि आप नारियल के जगह सर भी फोड़ कर चले आओ तो ईश्वर कभी कृपा नहीं कर सकते। जहां बूढ़े माँ बाप रोते हों, एक ग्लास पानी के लिए तरस जाते हों, ऐसे परिवार का कभी उद्धार नहीं हो सकता। यह राम कथा सुंदर कांड के प्रथम चौपाई से सीखें, जामवंत कहते हैं, और राम के परिवार के सबसे नौजवान शिक्षित व्यक्ति को वह बात अच्छी लगती है, और आज घर का बूढ़ा कुछ कहे तो लोग उसकी बात ही दबा देते हैं। मैंने देखा है बहुत अत्याचार वृद्धों के ऊपर होते हैं, तो मेरा निवेदन है अगर यहां भी होता हो झटपट समाप्त कर दीजिए, और क्योंकि हम उस सनातन संस्कृति में पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं। औरंगजेब का पिता जब वृद्ध हो गया तो उसने कारावास में डलवा दिया, पिता पानी मांगता था तो जिस पात्र में भेजता था ना, कम से कम 15 छेद थे माताओं, पानी जाते जाते सारा जल गिर जाता था और पिता के आगे खाली पात्र पहुंचता, पानी देखकर पिता तड़पता और तड़प तड़प कर मरने ही वाला है, तो उसने आखिरी समय अपने भगवान से एक ही खुदा से बात कही, उसने कहा या खुदा यदि अब जन्म देना तो किसी सनातन संस्कृति को मानने वाले हिंदू परिवार में जन्म दे देना। किसी ने पूछा कि क्यों इसमें कोई बुराई है, उसने कहा नहीं, इस धर्म में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ
कि तू मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दे रहा है, तड़पा दे रहा है। लेकिन धन्य है सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग, वह हिंदू परिवार जिसे जिंदा बाप क्या कहें, मृत बाप को भी साल भर में 15 दिन पानी तो पिला ही दिया जाता है, मरे बाप को भी साल भर में 15 दिन पानी तो दे ही दिया जाता है। हम उस देश के निवासी हैं जहां राम आए, हम तो मृत बाप की भी खबर लेते रहते हैं। तो यदि यहां पर ऐसी स्थिति बन रही है तो पाश्चात्य देश की संस्कृति का अनुकरण मत करिए, अपने वृद्ध माता पिता का खूब सम्मान करिए, उन्हें जो चाहिए उन्हें दीजिए, ये साक्षात भगवान है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यह भगवान है। वृद्धों का सम्मान ही यही सबसे सुंदर चीज है, वृद्ध का सम्मान होना चाहिए।